One, two, three, come on! नमस्कार दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल मामन सिंह डेयरी फार्म में आपका स्वागत है तो आज की वीडियो बहुत ही खास वीडियो हम लेके आए हैं जो कि जिस समय पशु की डिलीवरी होती है उस समय में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए तो इस वीडियो के माध्यम से अब हम आपको पूरी डिटेल के साथ एक एक बातें बताएंगे जो भी भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी का बटन जरूर दबाए ताकि कोई भी नई वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँच जाए तो दोस्तों आज हम बात करते हैं जिस समय पशु की डिलीवरी होती है उस समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए सबसे पहले हमें ध्यान रखना चाहिए जिस समय पशु जो पहली स्टिप है जिस समय पशु ब्याने लग जाता है उस समय अगर पशु ब्याने से पहले अगर लाल रंग का मैला जो लाल रंग का डिस्चार्ज अगर पशु दिखाता है तो ये सोच लो बच्चे के अंदर कोई ना कोई दिक्कत ज़रूर हो चुकी है और लाल रंग का डिस्चार्ज दिखाने के बाद ज़्यादा समय तक ब्याने की बाट न देखे तुरंत डॉक्टर को से संपर्क करें और डॉक्टर से बच्चे को चेक कराएं। नंबर दो अगर पशु सफेद डिस्चार्ज देता है तो उसकी कोई भी दिक्कत नहीं होती ताकि आपका पशु बिल्कुल स्वस्थ है जिस समय लाल डिस्चार्ज देना शुरू कर दे तो जल्दी से जल्दी डॉक्टर से संपर्क ज़रूर करें नंबर तीन जिस समय पशु पहले जो मटिंडी आती है जो पानी की मटिंडी आती है उसको अगर फोड़ दे अगर बाहर आके वो फूट जाती है तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है अगर वो पानी वाला मटका अंदर फूट जाता है तो ये लगाओ जल्दी से जल्दी पशु ब्याने ब्याने दे उसको ज़्यादा समय न निकाले जिस प्रकार आप इस वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं ज़्यादा समय निकलने के बावजूद क्या होता है बच्चे के नाक के अंदर वो पानी चला जाता है और बच्चा मर जाता है तो अगर ज़्यादा समय होने के बावजूद बच्चे के पैर या मुंह नहीं दिखाई दे तो उसको हमें क्या करना चाहिए जो आप इस वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं जैसे जो ऊंचाई और निचाई की जगह होती है हमें पशु को उसके ऊपर और नीचे से चार या पांच बार उतारना और चढ़ाना चाहिए अगर पशु बच्चा टेढ़ा है पेट के अंदर तो वो दिक्कत भी सोल हो जाती है चार या पांच बार पशु को ऊपर नीचे ज़रूर करें ये देख सकते हैं बिल्कुल आराम आराम से करें ताकि किसी प्रकार की पशु को भी दिक्कत ना हो चार या पांच बार उसको ऊपर नीचे ज़रूर करें और फिर जैसे ही उसको ले जा के बांध दोगे वो तुरंत डिलीवरी करने के लिए तैयार हो जाएगा लेकिन फिर भी अगर पशु डिलीवरी नहीं होती पशु की तो डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें ये देख सकते हैं चार या पांच बार ये ऊपर नीचे से उतार ली गई है और अब इसको ले जाके बांध दिया जाएगा ये बहुत ही जल्दी डिलीवरी करेगी अगर फिर भी पशु जैसे बैठता नहीं है शांत खड़ा हो जाता है तो उसको जो गुड़ होता है हम देसी भाषा में कहते हैं गुड़ गुड़ को हम दे गुड़ दे सकते हैं आधा या एक किलो गुड़ पशु को जरूर खिलाएं ये देखो अब ये बैठने के लिए बिल्कुल जल्दी से जल्दी तैयार हो जाएगी और जल्दी डिलीवरी करने लग जाएगी ये देख सकते हैं इसको अब हमने गुड़ खिलाया था जिससे ये डिलीवरी के लिए जल्दी तैयार होने जा रही है ये देख सकते हैं बहुत ही जल्द अब ये बैठने वाली है जिस समय पशु बैठ जाता है अगर बच ये देखो इसका जो पानी वाला मटका वो अंदर भुटा हुआ था जैसे बैठते ही पानी आना शुरू हो गया जिस समय पशु बैठ जाता है उसके दो या चार मिनट के बाद पशु बच्चे के पैर दिखने बहुत ही ज़रूरी हैं ये देख सकते हैं बच्चे के पैर दिखने शुरू हो गए हैं और जो हमें हमने बच इसको भैंस को या गाय को गुड़ खिलाया है उससे वो जोर लगाना शुरू कर देगा और उसकी डिलीवरी जल्दी हो जाएगी ये देख सकते हैं बैठते ही बच्चे के पैर दिखने शुरू हो गए हैं अगर बच्चे का एक पैर दिखाई देता है तो उसको कभी खींचो मत जब दोनों पैर अच्छी तरह दिखाई दे और साथ साथ उसका पूरा सिर नाक बच्चे का बाहर आ जाए उस समय बच्चे को आप खींच के उस पशु की डिलीवरी करवा सकते हैं अगर एक पैर दिखाई देता है या पैर दिखाई नहीं देता बैठने के बावजूद को, को एक या दो कोसे भी पैर दिखाई नहीं देते तो आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें ये देखो इसके दोनों पैर दिखाई देने लगे हैं अब ये लगा लो इसको कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल अच्छी तरह इसकी डिलीवरी होने लग रही है ये देखो जिस समय दोनों पैर एक साथ बाहर आने लग जाएं और साथ साथ बच्चे का सिर बाहर आ जाए उस समय आप पशु की डिलीवरी करवा सकते हैं और जहाँ तक होश के अगर अपने आप डिलीवरी हो जाए तो वो तो बहुत ही अच्छी अच्छा रहता है और अब हम आगे वीडियो के अंदर बताएंगे जिस समय पशु की डिलीवरी हो जाती है उस समय में उसको क्या क्या देना चाहिए किन किन क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए क्या किस समय क्या खिलाना चाहिए उसकी डाइट के बारे में भी आपको इस वीडियो के माध्यम से ज़रूर बताएंगे लगातार आप हमारे साथ जुड़े रहें जो भी भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि कोई भी नई वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंच जाए ये देख सकते हैं जैसे इसके ये दोनों पैर दिखाई देने लगे और ये खड़ी हो चुकी है लेकिन उसकी कोई दिक्कत नहीं है अब की बार जब ये बैठेगी बैठते ही डिलीवरी कर देगी ये देख सकते हैं जिस समय पशु ब्याने लग जाता है हमें उस समय पशु को ज़्यादा खिलाना पिलाना नहीं चाहिए ब्याने से पहले एक या दो दिन उसकी डाइट हमें कम कर देनी चाहिए ब्याने से पंद्रह दस से पंद्रह दिन पहले हमें सरसों का तेल पशु को नहीं देना चाहिए पशु को सरसों का तेल नहीं देना चाहिए हाँ हम उसको जो हमारा देसी घी होता है हम उसको देसी घी ज़रूर दे सकते हैं जैसे आजकल जो मिनरल मिक्सर होता है खनिज मिश्रण तकरीबन वो सभी घरों के अंदर यूज किया जाता है पंद्रह से बीस दिन पहले हमें खनिज मिश्रण भी पशु का बंद कर देना चाहिए और जब तक पशु मेले से नहीं लग जाता तब तक वो शुरू नहीं करना चाहिए ये देख सकते हैं इसकी डिलीवरी होने लग रही है अच्छी तरह ये जो जोर लगा रही है ये आप देख सकते हैं बच्चे की गर्दन जो सिर है बिल्कुल पूरा का पूरा दिखाई देने लग चुका है अब हम इसकी डिलीवरी बिल्कुल आसानी से करवा सकते हैं अब डिलीवरी करवाने में कोई भी दिक्कत नहीं है ये देख सकते हैं इसने जो कि मेल काप को विराट का मेल काप को जन्म दिया है जो दुनिया का गीला इनका एकमात्र मुराबुल विराट है उसके मेल काप को जन्म दिया है काफी अच्छा हाइट लेंथ के साथ ही आया है तो जिस समय पश बच्चा बाहर आ जाता है सबसे पहले उसके नाक और उसके मुंह को साफ अच्छी तरह साफ कर देना चाहिए और जहाँ तक हो उसके बच्चे को पीछे से ऊपर उठा देना चाहिए जो पानी अंदर इसके अगर थोड़ा बहुत इसके मुंह के अंदर चलिया भी गया है तो वो अच्छी बिल्कुल बाहर अच्छी तरह आ जाए जिससे बच्चे को कोई दिक्कत ना हो और जिस समय पशु की डिलीवरी हो जाती है बच्चे को तुरंत उसके सामने रख देना चाहिए ताकि वो उसको अच्छी तरह साफ़ कर सके अच्छी तरह साफ कर सके और जिस पशु की डिलीवरी होती है बच्चा देने के बावजूद उसको खड़ी कर देना चाहिए बैठा नहीं रहने देना चाहिए एक बार जरूर खड़ी कर दे वो भी इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाया जाएगा जिस समय बच्चे बच्चा दे दिया अब हाँ इसने अब हम इसको जो हमारा गुड़ होता है गुड़ दे सकते हैं गुड़ के अंदर बिंदोड़े सूखे बिंदोड़े दे सकते हैं कम से कम आधा किलो बाजरा आधा किलो बिंदोड़ा और उसके अंदर आधा किलो गुड़ तीनों चीज़ मिला के हम उसको अच्छी तरह खिला सकते हैं ताकि जो उसका मुंह है अच्छी तरह वो उसको चबाए और उसकी जाड़ी खुल जाए ये देख सकते हैं इसके अंदर बिंदोड़ा बाजरा और गुड़ खिलाते हुए आप इस जोटी को देख सकते हैं तो दोस्तों आप कमेंट करके ज़रूर बताना आज की वीडियो आपको कैसी लगी समय समय पर जिस प्रकार के आप कमेंट करोगे जिस प्रकार की वीडियो के लिए आप हमें बताओगे उसी प्रकार की वीडियो जल्दी से जल्दी अपलोड करने की कोशिश करेंगे तो फिर उसको हमने तकरीबन 20 लीटर के आसपास पानी दिल पिला देना चाहिए ज़्यादा पानी भी नहीं पिलाए और जिस समय जेड़ डाल दे उस समय हमें हमने उसको छिप के पानी पिला देना चाहिए चारा खिला देना चाहिए और साथ साथ जैसे जो जेर गिराने के लिए हम एग्जा सफ़ाई के लिए वगैरह देते हैं हमने वो भी शुरू कर देने चाहिए तो धन्यवाद दोस्तों जय हिंद जय भारत जय गो माता जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताना One, two, three, come on! Come on!